जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। ताले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, चोर नए नए तरकीब से उसे तोड़ ही देता है। लेकिन हम आज आपको जिस चोर से मिलवाने जा रहे हैं, वो ताला तोड़ता नहीं, ताला बदल देता है। जी हाँ, ताला बदल कर लाखों का माल पल में साफ कर देता है। ये मामला दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले का है, जहाँ एक गोदाम में ताले बदल कर 59 कार्टून जूते चुरा लिए गए। आउटर नॉर्थ पुलिस के एएटीएस ने 3 सक्रिय चोरों को पकड़ा है, जिनका नाम विकास, राम, लक्ष्मण और अनारुल हक है। इस मामले की जानकारी आउटर नॉर्थ के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने विस्तार से दी है। रवि कुमार सिंह ने बताया कि एएटीएस के स्टाफ, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल परमानंद, हेड कांस्टेबल संजय नवीन और कांस्टेबल मंजीत शामिल थे, इंस्पेक्टर गिरीश के नेतृत्व में और एसीपी ऑपरेशन यशपाल सिंह के समग्र पर्यवेक्षण में गोदामों में चोरी रोकने के लिए काम कर रहे थे। 23 दिसंबर को एक सूचना के आधार पर एएटीएस स्टाफ ने लिबासपुर इलाके में बाइक पर घूम रहे 2 लोगों को पकड़ा। पिलियन राइडर एक बैग ले जा रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम विकास राम उर्फ राजन राम और अनवरुल हक बताया। दोनों बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं। दोनों बैग को लेकर दिल्ली के सीरापुर के चंदन पार्क से जा रहे थे। बैग की जाँच की गई, जिसमें 20 जोड़ी नए जूते पाए गए। पूछताछ में उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में उसने खुलासा किया कि ये चोरी का माल है, जिसे उसने अपने साथियों अनारुल, अर्जुन और लक्ष्मण के साथ सीरापुर में एक गोदाम के ताले बदलकर चुराया था। इसके बाद लगातार पूछताछ करने पर एक एड्रेस बताया, जहां उसके साथी मौजूद थे। तीसरा आरोपी लक्ष्मण को सीरापुर से पकड़ लिया गया और 59 कार्टून जूते बरामद किए गए, जो चोरी का माल था। उनके इशारे पर एक कटर, शटर खोलने बंद करने का हैंडल, लाइट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी और चाबी बरामद की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि ये कार्टून सीरापुर के जेपीआर धर्मकांटा के पास के गोदाम से चोरी हुए थे। इस संबंध में समयपुर बादली थाना में एफआईआर दर्ज की गई, जांच जारी है। आगे की पूछताछ के दौरान उन्होंने समयपुर बादली और अलीपुर के क्षेत्र गोदामों में चोरी के 2 और मामलों में अपनी संलिप्तता का भी खुलासा किया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।